Dear students, today we are taking topic the post war recovery. लड़ाई के बाद जो है किस तरह से आर्थिक रिकवरी की गई, इकोनॉमिक रिकवरी की गई, इसमें इस टॉपिक में इसके बारे में बताया गया है. पोस्ट वार इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव डिफिकल्ट. पोस्ट वार इकोनॉमिक रिकवरी जो थी वो काफ़ी डिफिकल्ट महसूस हुई, डिफ़िकल्ट हुई, क्योंकि रिकवरी जो आर्थिक इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन जो हुआ उसकी रिकवरी काफ़ी मुश्किल हुई. ब्रिटेन विच वॉज द वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वार पीरियड. ब्रिटेन जो दुनिया में प्री वार पीरियड में जो है लीडिंग इकोनॉमी था, इन पर्टिकुलरली फेस ए प्रोलॉन्ग क्राइसिस. उसने विशेष रूप से एक लंबा क्राइसिस फेस किया. वाइल ब्रिटेन वाज प्री ऑक्यूपाई विद वार, जब ब्रिटेन जो था वार प्री लॉन्ग क्राइसिस ने झेला, और जब वार की ज़रूरतों को जो उसने वार से पहले जो प्री मतलब अपनी पोजीशन बना रखी थी, इंडस्ट्री है डेवलप इन इंडिया एंड जापान. नाउ इंडस्ट्री जो है वो जापान और इंडिया में भी डेवलप होने लगी. एक तरफ जो है ब्रिटेन अब वार में घिरा हुआ था, वार में लगा हुआ था. ऑन द अदर हैंड द इंडस्ट्रीज वर डेवलपिंग इन इंडिया एंड जापान. आफ्टर द वार, वार के बाद ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजिशन ऑफ डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट. और लड़ाई के बाद जो है ब्रिटेन ने अपनी पोजिशंस, जो अर्लियर पोजिशन थी इंडिया को रिकैप्चर करने की, या रिकैप्चर कर रखा था, और अपना डोमिनेंस भारतीय बाज़ार पर अपना प्रभाव जमा रखा था, वो स्थिति द्वारा पाने में डिफिकल्टी महसूस की. एंड टू कम्पीट विद जापान इंटरनेशनली, और जापान के साथ प्रतियोगिता करने लगा. मोर ओवर टू फाइनेंस वार एक्सपेंडिचर्स, ब्रिटेन हैड बोरोड लिबरली फ्रॉम द US. इसके अतिरिक्त जो टू फाइनेंस वार एक्सपेंडिचर, लड़ाई के खर्चों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने जो है उदारतापूर्वक US से जो है मनी बोरो की. दिस मीन दैट एट द एंड ऑफ द वार, इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई के आखिर में ब्रिटेन जो था इट वॉज बर्डन विद ह्यूज एक्सटर्नल डेट्स, वह बाहरी ऋण से बर्डन था. द वार हैड लेड टू इकोनॉमिक बूम. वार ने जो है एक आर्थिक बूम जो है, इकोनॉमिक बूम, आर्थिक उछाल जो है की तरफ ले गया. दैट इज टू लार्ज इंक्रीज इन द डिमांड. बहुत बड़ी मात्रा में जो डिमांड में काफ़ी इंक्रीज हुआ इन द मैटर ऑफ द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के मामले में. एंड द वार बूम एंडेड, जब लड़ाई ख़त्म हो गई, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, और प्रोडक्शन जो है वो सिकुड़ गया और अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बढ़ गया. एट द सेम टाइम, उसी समय जो था, द गवर्नमेंट रिड्यूज ब्लॉटेड वार एक्सपेंडिचर्स टू ब्रिंग दैम इन टू द लाइन विद पीस टाइम रेवेन्यू. उसी समय जो है गवर्नमेंट ने अपने जो ब्लॉटेड वार एक्सपेंडिचर थे वो कम कर दिए थे. वार के बाद खर्चे जो थे वो कम कर दिए थे, जिससे कि वो जो है पीस टाइम रेवेन्यू लाइन में आ जाए. दीज डेवलपमेंट्स लेड टू ह्यूज जॉब लॉस. इसकी वजह से जो है काफ़ी जॉब लॉस हो गया. अनएम्प्लॉयमेंट से स्प्रेड इन द ईयर ऑफ द 1921, वन इन एवरी फाइव ब्रिटिशर वर्कर वाज आउट ऑफ वर्क. हर पांच वर्कर में से एक ब्रिटिशर जो था वो आउट ऑफ वर्क था. इंडीड एंड IT एंड अनसर्टेनिटी अबाउट वर्क बिकेम एन
एंड्यूरिंग से पार्ट ऑफ द पोस्ट वार सिनारियो। और वास्तव में जो चिंता और अनिश्चितता काम के प्रति थी, ये पोस्ट वार सिनारियो की एक एंड्यूरिंग पार्ट था, एक चिंता जो थी जॉब अनएम्प्लॉयड के प्रति वो लोगों की थी। मैनी एग्रीकल्चरल से इकोनॉमिक इकोनॉमीज वर आल्सो इन क्राइसिस। जो खेती से संबंधित जो अर्थव्यवस्था थी वो भी संकट में थी। कंसिडर द केस ऑफ वीट प्रोड्यूसर। वीट प्रोड्यूसर का हम केस कंसिडर करते हैं। बिफोर द वार, लड़ाई से पहले, ईस्टर्न यूरोप वाज ए मेजर सप्लायर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड मार्केट। ईस्टर्न यूरोप जो था वो पूरी दुनिया में जो वीट को सप्लाई करता था। वैन दिस सप्लाई वाज डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग द वार। जब ये सप्लाई जो है बिकॉज ऑफ वार डिस्टर्ब्ड हो गई, तो वीट प्रोडक्शन इन कनाडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। तो जो वीट प्रोडक्शन कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में था वो नाटकीय रूप से बढ़ गया। बट वंस द वार वाज ओवर, लेकिन जब लड़ाई ख़त्म हो गई, प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड। प्रोडक्शन जो था ईस्टर्न यूरोप में जो था वो द्वारा पुनर्जीवित हुआ एंड क्रिएटेड ए ग्लट इन वीट आउटपुट। और इससे जो है वीट आउटपुट में जो है बहुत ज़्यादा अधिकता आ गई और इससे जो है ग्रेन प्राइस जो गिर गए। रूरल इनकम डिक्लाइंस, रूरल इनकम जो है कम हो गई। एंड फार्मर फेल डीपर इनटू द डेट्स। और फार्मर जो है लंबे कर्जे में फंस गए।